हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इमेज फाउंड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। ऑप्शन फर्स्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन सेकंड रियल एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन थर्ड रियल एंड इनलार्ज्ड, ऑप्शन फोर्थ वर्चुअल एंड इनलार्ज। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा फॉर्म की गई इमेज किस प्रकार की होगी। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके लेंसेज द्वारा किस प्रकार से इमेज फॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, जिसमें से एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एक लेंस जो होता है हमारे पास वो होता है आईपीस लेंस, जिसमें से ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हमारे पास वो छोटा होता है एंड आईपीस लेंस जो है ये हमारे पास बड़ा लेंस होता है। तो ये मैं बात कर लेता हूँ कि ये इनकी एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस लेंस की। ये दो लेंसेज हैं हमारे पास, एक हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको मैं शो कर देता हूँ ओ से, एंड ये हमारा आईपीस लेंस है, इसको मैं शो कर देता हूँ ई से। तो यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे एफ ओ, एंड यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे एफ ई पॉइंट, एंड ये हमारे पास एफ ओ एंड एफ ई शो कर रहे हैं फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास ये क्या हो जाएगी एफ ई के सॉरी एफ ओ के इक्वल, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड ये जो है हमारे पास लेंथ ये हो जाएगी एफ ई के इक्वल, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने फोकल पॉइंट से आगे एक ऑब्जेक्ट प्लेस की जाती है, एंड इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ये हमारे पास कहाँ पे बनेगी, ये हमारे पास बनती है जो फोकल पॉइंट है आईपीस लेंस का उससे आगे। तो यदि मैं इसको बनाना चाहूँ इमेज को, तो ये रे डायग्राम में किस प्रकार से दिखाई देगी हमें, फिर से बनाते हैं इसको। ये थोड़ी ज्यादा दूर बन गई है भाई, इसको सही से बनाते हैं, एंड एक रे हमारे पास कुछ इस तरह आती हुई हमें मिलेगी। जब इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये इमेज बन जाएगी। ये इमेज थोड़ी करेक्ट नहीं है, इसको फिर से सही से बनाएंगे थोड़ा। ये हमारे पास एक इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार से, ये हमारी ऑब्जेक्ट है इसको बोल देते हैं, ये हमारी इमेज है जो हमारे पास किस से बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज ये किस प्रकार की है हमारी इमेज सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यदि मैं बात करता हूँ कि तो ये डिस्टेंस मेरे पास कौन सी होगी, ये मेरे पास हो जाती है यूओ, यानी कि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ओ से, मीनिंग है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे है। सेकेंडली ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कौन सी डिस्टेंस होगी, ये होगी वीई डिस्टेंस, एंड ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी यूई डिस्टेंस। अब ये इमेज जो बनी है ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगी आईपीस लेंस के लिए, एंड इससे फाइनली इमेज फॉर्म होगी। सो हमें चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऑब्जेक्टिव लेंस से किस प्रकार की इमेज बनेगी। तो यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक तो इससे हमारे पास इमेज बन रही है इनलार्ज्ड, यानी कि बड़ी इमेज बन रही है, एंड सेकंड जो इमेज है हमारे पास ये कौन सी इमेज है, रियल है, एंड एक ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड है।
ये इमेज इनलार्ज्ड है, रियल है एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस से। ये किससे बन रही है? ऑब्जेक्टिव लेंस से। सो अब बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड नहीं बनती, एनलार्ज बनती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है रियल एंड डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड की वजह से ये गलत। थर्ड हमारे पास क्या है? रियल एंड इनलार्ज्ड, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमें क्या बोला गया? वर्चुअल एंड इनलार्ज, तो वर्चुअल नहीं बनती जबकि रियल इमेज बनती है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन थर्ड है हमारे पास रियल एंड इनलार्ज, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।